बीजेपी नेता और पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश जैन का अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। राकेश जैन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने बैठकर अपनी ही पार्टी की बुराई करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा उनकी सरकार आने से उनको नुकसान होता है, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो काम होते थे। सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता का अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत का वीडियो वायरल हो रहा है। पूर्व पार्षद पति और पूर्व बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश जैन ने कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब राजा साहब की सरकार थी तो उनके काम हो जाते थे, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद काम नहीं हो रहे हैं। राकेश जैन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने बैठकर अपनी ही पार्टी की बुराई कर रहे थे। बीजेपी नेता राकेश जैन ने कहा हमारी पार्टी आती है तो नुकसान ही होता है। उन्होंने समय आने पर कांग्रेस ज्वाइन करने की भी बात कही। जैन ने पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री की भी जमकर बुराई की। राकेश जैन ने कहा स्मार्ट सिटी के चलते और खुद की कमियों के कारण उमाशंकर गुप्ता की हार हुई है, अब यह मामला बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक पहुंच चुका है। उन्हीं का तो स्मार्ट सिटी प्लान है था अभी पिछली सरकार के लिए। तू पार्षद है, ये तो उनके पास जाने दिए ना। सरकार जब जब आई तब तक नुकसान ही हुआ। जब राजा साहब की सरकार थी तो मैं बहुत अच्छे काम करता था, और जब से अपनी सरकार आई तो बदल रहा पार्टी का बदल रहा ही बदल रहा पार्टी मतलब जब हो जाएगा तो बदल देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।